ओ गाइस इट्स रियल, ये तो हवा में उड़ना भी शुरू हो चुका है। ये सही है भाई। अब इस रूम में अंदर एक गोल्डन कलर का चेस्ट बॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये बंद है। अब देखते हैं इसे खोला कैसे जाए। यहाँ वॉल पर 9 आइकॉन्स बने हुए हैं और इनमें से ज्यादातर आइकॉन्स ऑलरेडी लिट हैं। हेलो गेमर्स, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हो। गाइस पबजी मोबाइल की 0.19 अपडेट सीरीज का एक और वर्जन रिलीज हो गया है और इस अपडेट 0.19.2 के साथ हमें देखने को मिला एक न्यू मोड। इसका नाम है द एंशिएंट सीक्रेट और ये सैंडस्टॉर्म मोड की ही तरह मिरामार मैप के अंदर आएगा और इसीलिए ये न्यू मोड भी हमें सीजन 14 के अंदर खेलने के लिए मिलेगा। तो आओ फिर फटाक से देख लेते हैं कि इस न्यू मोड द एंशिएंट सीक्रेट में क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं और इसे किस तरह से खेलना है। और राइट, सो अब हम इस न्यू मोड की लॉबी में आ चुके हैं और यहाँ कुछ स्पेशल एनिमेशन देखने को मिल रहा है। मेरे सामने लॉबी में ये एक जायंट कैरेक्टर फेरो है और ये हवा में 3 पैरामिड्स उड़ रहे हैं। सो लॉबी के इस एनिमेशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस मोड के अंदर कुछ पैरामिड्स देखने को मिलेंगे जो हवा में उड़ेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जायंट मॉन्स्टर या फिर न्यू कैरेक्टर फेरो हमें इस नए मोड के अंदर भी कहीं दिखे। वैसे गाइस ये भी फाइनल एनिमेशन नहीं है क्योंकि ये स्टेज 1 है इस बेटा वर्जन की। स्टेज 1 में एक्चुअली हमें एक नए रिलीज हुए बेटा वर्जन के न्यू कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। सो इसके बाद स्टेज 2 में भी इसके अंदर कुछ न्यू अपडेट्स कर दिए जाएंगे। कुछ और चेंजेस करने के बाद हमें फाइनल वर्जन हो सकता है इससे कुछ और देखने को मिले। लेकिन आज के इस गेम प्ले से हमें इतना तो अंदाजा लग ही जाएगा कि स्टेज 1 जो कि 0.19.2 का वर्जन है इस मोड का, इसके अंदर क्या क्या बेसिक फंक्शंस और डिटेल्स रहने वाले हैं। तो अभी फ्लाइट पाथ शुरू हो चुका है हमारा और हम मैप पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए स्ट्रक्चर्स इस मोड के अंदर दिख रहे हैं जो एक्चुअली पहले नहीं थे। इस एंशिएंट सीक्रेट मोड में 3 मेन स्ट्रक्चर्स तो पिरामिड्स वाले हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, इनके पास चलते हैं और वन बाय वन इन सब को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो ये येलो कलर के स्मॉल स्ट्रक्चर जो हमें इस मैप पर दिख रहे हैं गाइस, ये कुछ स्क्वायर शेप्ड रूम्स हैं। इस तरह के रूम्स नॉर्मल मिरामार क्लासिक मोड के अंदर तो नहीं होते हैं, इसके लिए स्पेशली ऐड किए गए हैं। तो देख लेते हैं ऐसा क्या नया है इनके अंदर। अब इस रूम में अंदर एक गोल्डन कलर का चेस्ट बॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये बंद है। अब देखते हैं इसे खोला कैसे जाए। ऑल राइट, सो इस चेस्ट बॉक्स के अलावा एक फेरो का स्टैचू भी है इस रूम के अंदर। इसके पास जाती है एक आंसर का ऑप्शन पॉपअप हो गया है। चलो इसे प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉकआउट्स राइट नाउ, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हमें जिनमें से एक सेलेक्ट करना है। अब ये गेम तो मैंने अभी शुरू ही किया है, सो ऑब्वियसली आंसर 0 ही होना चाहिए। तो गाइस इस मोड का नाम द एंशिएंट सीक्रेट है, यानी कि हमें इस मोड के अंदर बहुत सारी पजल सॉल्व करने के लिए मिलने वाली हैं। जैसे ही मैंने इस पजल का करेक्ट आंसर दिया, सामने एक पॉपअप मैसेज देखने को मिला, कर्स्ड बाय द फेरो। आप में से जिसने भी इरेंगल मैप के अंदर हेलोइन मोड खेला होगा, उन्हें पता ही होगा कि इस तरह का स्पेशल एनिमेशन कैरेक्टर वहां भी शो कर रहा था। सो अगर आपको भी स्पेशल एनिमेशन देखकर हेलोइन मोड याद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेरे भाई, मैंने जैसे ही ये पजल सॉल्व की, ये चेस्ट ओपन हो गया है और इसी के साथ ये भी क्लियर हो गया है कि इस चेस्ट के अंदर हमें वेपन्स मिलने वाले हैं। वैसे इस तरह के येलो मार्कर्स तो पूरे मिरामार मैप पर फैले हुए हैं इस मोड के अंदर। तो चलो और कहीं चलते हैं और देखते हैं वहां क्या मिलेगा। अब यहाँ पर हमें एक डिफरेंट लोकेशन पर आ गए हैं गाइस और इस रूम के अंदर जाकर पता चला कि यहाँ एक नई पजल है। तो आओ फिर इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वॉल पर 9 आइकॉन्स बने हुए हैं और इनमें से ज्यादातर आइकॉन्स ऑलरेडी लिट हैं, लेकिन कुछ आइकॉन्स ऐसे हैं जो ऑफ लग रहे हैं, यानी कि लिट नहीं है। तो चलो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करें हम इसे। ऑल राइट, सो फाइनली ये पजल भी सॉल्व हो गई है और इसी के साथ हमारा नया चेस्ट भी ओपन हो गया होगा। यहाँ से भी फटाक से अपने आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं इस मोड के अंदर और क्या क्या है। सो पूरे मैप पर जहाँ जहाँ भी येलो टाइनी मार्कर्स हैं, इनके पास हम जब भी जाएंगे, इतना तो आइडिया लग गया है कि वहां पर कुछ इस तरह के रूम्स देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी रूम्स पूरे मैप पर फैले हुए हैं गाइस, इनके अंदर जाकर हमें एक पजल सॉल्व करनी है और जैसे ही हम उस पजल को सॉल्व कर देंगे, हमें एमओ, वेपन या इक्विपमेंट इस तरह की चीजें रिवॉर्ड में मिल जाएंगी। तो इसके अलावा जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है इस मैप में गाइस, वो है पिरामिड्स। पूरे मैप पर हमें 3 पिरामिड्स देखने को मिले थे, आपको याद हो तो। तो आप फिर अब इन पिरामिड्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या क्या नए फीचर्स हैं और हमें किस तरह से इन पिरामिड्स के साथ इंटरेक्ट करना है। सो जैसा कि हमने लॉबी में देखा था, वो जायंट कैरेक्टर फेरो और 3 पिरामिड्स हवा में उड़े हुए थे और यहाँ मैच में भी ये स्ट्रक्चर जो हमें हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है गाइस, ये एक्चुअली एक पिरामिड ही है। तो चलो इस पिरामिड के नजदीक चलते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं
हैं कि हम इस तक कैसे पहुंच पाएंगे। मेरे भाई इसके पास तो हम आ चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसे यूज करते हम इसके ऊपर चढ़ पाए। ऑल राइट गाइस, सो आई फिगर्ड आउट कि गेम स्टार्ट होने पर ये पिरामिड्स एक्चुअली जमीन पर ही रहते हैं और कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये हवा में उड़ जाते हैं। सो इन पिरामिड्स के ऊपर बैठकर हवा में उड़ने के लिए हमें एक्चुअली उस टाइम से पहले इन पिरामिड्स तक पहुंच जाना होगा, और इसलिए मैंने अब न्यू गेम स्टार्ट कर लिया है और अब इस पिरामिड के ऊपर ही चलते हैं, देखते हैं ऊपर कैसे उड़ेगा। यहाँ पर लूट की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये तीनों पिरामिड्स इस मोड के अंदर हॉट ड्रॉप रहने वाले हैं। सो जिस तरह से उन स्मॉल येलो मार्कर्स पर हमें कुछ पजल्स दिखी थी, इन पिरामिड्स के अंदर भी उसी तरह की कुछ पजल्स हैं। आ फिर देख लेते हैं कि इस पजल को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे हम। यहाँ वॉल पर एक कैट, एक स्नेक, एक फेरो और एक स्वान की इमेज बनी हुई है गाइस, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। एंड इस वॉल पर हम जब इन आइकॉन को सेलेक्ट करते हैं तो इसी तरह की इमेजेस हमें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसी ऑर्डर में वॉल पर इन इमेजेस को सेलेक्ट करना है। तो वन बाय वन इन्हें सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि कौन सा एनिमल किस पोजीशन पर है, और जब फाइनली मुझे ये पता चल गया तो उसके बाद मैंने उसके एग्जैक्ट ऑर्डर में उन्हें सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही उसके ऑर्डर में हम इन्हें सेलेक्ट कर लें गाइस, वो चेस्ट खुल जाएगा, ये पजल सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पर ये पजल भी हमने अब सॉल्व कर ली है, लेकिन इसी के साथ अगर आप इस मैप पर देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा टाइमर भी चल रहा है। तो इस टाइमर का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि जैसे ये टाइमर खत्म हो जाएगा ये पिरामिड अपने आप हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। मेरे भाई चलो फिर अब बाहर चलते हैं और देख लेते हैं ये पिरामिड कैसे उड़ता है हवा में। ओ गाइस, इट्स रियल, ये तो हवा में उड़ना भी शुरू हो चुका है। तो जो भी स्क्वाड इस पिरामिड के टाइमर के फिनिश होने से पहले यहाँ पर पहुंच जाएगा और सारे एनिमी प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देगा, वो स्क्वाड इस पिरामिड के साथ हवा में उड़ जाएगा, और फिर पूरे गेम तक उस स्क्वाड को कोई भी नहीं मार पाएगा गाइस। बाकी सब प्लेयर्स मैप में नीचे ही रह जाएंगे, और जो तीन लकी स्क्वाड्स हैं जो कि इन तीन पिरामिड्स को कैप्चर कर लेंगे गाइस, वो सब हवा में उड़ जाएंगे। ये सही है भाई। एक और बेहतरीन बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि पिरामिड सिर्फ ऊपर ही नहीं उठेंगे गाइस, ये ट्रैवल भी करेंगे। अब देख लेते हैं आखिर कहां तक ट्रेवल करेंगे मैच के अंदर और हमें कहां तक लेकर जाएंगे। गाइस एक और कमाल की बात यह है कि हम इन पिरामिड्स में से ही नीचे जा रहे प्लेयर्स को शूट भी कर पाएंगे। जैसे कि देखो मेरा ये पिरामिड अभी पिकाडो के ऊपर से जा रहा है, और यहां से स्टेडियम और कैसीनो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। सो यहाँ नीचे कोई भी प्लेयर जा रहा होगा या कैम्प कर रहा होगा, बहुत ही आसानी से हमारा पूरा स्क्वाड उन्हें ऊपर से ही फिनिश कर पाएगा। सो फाइनली जिस पिरामिड पर मैं ट्रेवल कर रहा था पूरे मैच से, वो अब गायब हो चुका है। सो कुछ जोन्स कंप्लीट हो जाने के बाद ये पिरामिड्स गायब हो जाएंगे, और फिर हमें भी बाकी प्लेयर्स की तरह पैराशूट से नीचे आना पड़ेगा। चाहे हमें मैच के एंड में नीचे भी आना पड़े, लेकिन जितना वक्त हम इस पिरामिड के ऊपर रहेंगे गाइस, हमें आसपास लगभग पूरा मैप विजिबल रहेगा ऊपर से। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात लगी मुझे इस न्यू फीचर फ्लाइंग पिरामिड के बारे में। मेरे भाई अब तक मैंने आपको जितनी भी स्पेशल सीक्रेट पजल्स दिखाई इस मोड के अंदर, एक और पजल है जो मिस हो गई थी। यहाँ भी वॉल पर कुछ तीन इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं गाइस, और इसके नीचे इस पजल का हिंट दिया हुआ है। हिंट में ये दो फेरो एक दूसरे की साइड देख रहे हैं, और इनके बाद जो एक कैट है उसकी टेल ऊपर की तरफ है, एंड इसी के अकॉर्डिंग हम इन स्ट्रक्चर्स को भी रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली अब मैं आपको ये पजल कैसे सॉल्व करनी है इसके बारे में भी बता चुका हूँ। सीजन 14 जैसे ही रिलीज हो जाएगा ये न्यू मोड हमें खेलने के लिए मिलने वाला है, और क्योंकि अब आप पहले से ही जानते हो कि इसके सारे फीचर्स क्या हैं, उन्हें किस तरह से यूज करना है, तो अब आप बहुत ही आसानी से उस मोड को खेल पाओगे, बाकी सारे प्लेयर्स से दो कदम आगे रहोगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और मैंने आपको आज जितने भी न्यू फीचर्स इस मोड के बारे में बताए हैं, आपका फेवरेट फीचर कौन सा है मुझे इसके बारे में कमेंट में बताओ। मेरा फेवरेट फीचर तो गाइस ऑब्वियसली ये फ्लाइंग पिरामिड है, लेकिन अगर ये एंड जोन तक फ्लाई करते रहते तो मजा ही आ जाता। वैसे एक बात तो है, इस स्ट्रक्चर को देखकर बिल्कुल इजिप्ट जैसी फीलिंग आ रही है, यानी कि सीजन 14 की थीम इजिप्ट से रिलेटेड ही रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था गाइस, ये इस बेटा वर्जन की स्टेज 1 है, सो इसके अंदर कुछ और भी मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे। सो इस मोड का फाइनल वर्जन कैसा होगा और ये मोड फाइनल वर्जन में किस तरह का दिखेगा, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स दे दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो ठीक है, फिर लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स, आई लव यू ऑल।